गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी वही नॉर्मल रह गया घर, फिलहाल तो अपना गर्म गर्म चाय आ जा गया है जल्दी, और मौसम काफ़ी ठंडा किया हुआ है आज, मतलब ठंडा है। तो कल भी अच्छा ठंडा था और आज भी ठंडा है, सब कर दिया है क्योंकि तो बारिश कल रात में भी हुआ था। आप देख पा रहे होंगे पूरा मौसम, सूर्य भगवान निकल नहीं रहे दो दिन से यही हाल है ना। धूप है और एकदम मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा किया हुआ है, हवा हुआ बहुत ठंडा ठंडा चल रहा है। बाकी गाइस कुणाल अभी सोया हुआ है, अभी उठा नहीं है, अभी देखिए मस्त नींद में सोया हुआ है। देखिए बच्चा दिख रहा है, ये वाला ही बच्चा दिख रहा है, बच्चा नहीं दिख रहा गाइस, यही सोया हुआ है। तो इसको सोने देते हैं, हम अपना जल्दी से चाय पीते हैं जो कि अब काफ़ी ठंडा भी हो गया है। थोड़ा ही देर पहले मम्मी रख के गई थी लेकिन मौसम ऐसा क्या हुआ है कि चाय ठंडा है क्या, ठंडा तो हमको भी लग रहा था ही बोले तो। तो फिलहाल तो गर्म गर्म चाय पीते हैं और फिर देखा जाए क्या करना है आज। अभी फिलहाल समय हो रहा है 10:30 और हम बस ब्रश वगैरह कर लिए हैं और बेड भी सजा दिए हैं भाई। आप देख पा रहे होंगे चाय भी हम पी लिए थे और अब फिलहाल नहाने कुणाल भी उठ गया है, बाहर बैठा हुआ है, देखिए वहाँ पे बैठ के टीवी वगैरह देख रहा है। तो हम फिलहाल जा रहे हैं नहाने, सांस नहीं रह सकता तो छी छी। तो गाइस अभी फिलहाल जल्दी से जाते हैं नहा वहा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नहा के। तो चलिए आते हैं नहा के। फिलहाल 11 बजने वाला है और हम तो मस्त नहा वहा के रेडी हो गए और पूजा भी कर लिए, अब टीका देख पा रहे होंगे मेरा, और अब फिलहाल नाश्ता करने जा रहे हैं गाइस। बाकी यहाँ पे दादी नाश्ता कर रही है गाइस और यहाँ कुणाल और मम्मी भी नाश्ता कर रही है टीवी देखते हुए, यही सब अभी फिलहाल चल रहा है। और मेरा भी नाश्ता मम्मी निकाल दी है, तो जल्दी से पेट पूजा करते हैं और उसके बाद फिर कुछ और किया जाएगा, देखा जाएगा क्या करना है। तो जल्दी जल्दी पेट पूजा करके ना मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाकी नहा के एकदम फ्रेशनेस आ गया और ठंडा तो अभी भी उतना ही क्या हुआ है, चलिए मिलते हैं। अभी फिलहाल समय हो रहा है 11:30 और हम आप देख पा रहे होंगे तैयार हो गए हैं नाश्ता करके, जैसा आज मम्मी लोग सब हम लोग कहीं जा रहे हैं, बस हम मार्केट वगैरह कुछ कुछ सामान वामान लेना है और कुछ काम भी है, तो इसी चलते अभी निकल रहे हैं। फिलहाल हम जाएंगे, कुणाल जाएगा और मम्मी जाएंगी मार्केट वगैरह, हाँ और मम्मी भी चलेगी, बाकी दादी यहीं घर पर आएगी, दादी बैठ के टीवी देखेगी है ना दादी, और कोई जरूरत है तो फ़ोन कर लीजिएगा दादी। हाँ हाँ डरेगी क्यों, तो चलिएगा जब चलो यार बहुत ठंडा है यार, मेरे को सर्दी हो गया। हाँ ठीक है हमको भी, तो चलिए चल जाए और फिर मिलते हैं आपसे चलते समय। कुणाल पीछे पीछे आ रहा है, मम्मी आगे, तो बस चलिए चलिए मम्मा। फिलहाल निकल चुके हैं और मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा किया हुआ है, रोड पे अभी थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, तो बस देखिए कुणाल और मम्मी वहाँ पे खड़ी हैं तो हम लोग भी वहाँ तक चलना है, तो चलिए जल्दी जल्दी चला जाए। वैसे ही 11:30 हो गया, बाकी ठंडा मौसम क्या हुआ है बरसात वगैरह के चलते, बस चलिए चला जाए लेट्स गो। तो भाई फिलहाल निकल चुके हैं जाने के लिए और देख पा रहे हैं आप ऑटो में बैठे हुए हैं आप, कुणाल है और मम्मी है, बाकी अभी जाम वगैरह लगा हुआ है तो अपने को लगेगा समय पहुँचने में, भीड़ भाड़ काफ़ी है रोड पे आज हमेशा रहता है, कोई नया नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, बाकी रोड पे भीड़ भाड़ है ज़्यादा दिल्ली के मुकाबले। ऑटो से उतर गए हैं और तीनों को एक चलते जा रहे हैं, तो बस इधर भी मार्केट वगैरह में भीड़ भाड़ है, चलिए चल जाए जल्दी जल्दी। और सब हाथी का लगा हुआ है झंडा सब वाला, क्या कहते हैं हनुमान जी का, रामनवमी का, चलिए चल जाए। अभी फिलहाल समय हो रहा है 10:15, हाँ हाँ ठहरिए बताते हैं, काफ़ी रात हो गया है, रात का 10:15। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको जाते हुए देखें, हम लोग गए जहाँ जा रहे थे इस मार्केट वगैरह, उसके बाद क्या हुआ कि सब पलट गया और डायरेक्ट हम लोग यहाँ रात में 10:30 बजे आ गए।
गाइज उसके बाद काफ़ी मतलब जब हम लोग गए वहाँ तो काफ़ी कुछ हुआ, कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज़, हर एक चीज़ अब हम आपको ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ जिसके चलते हम लोग थोड़ा सा प्रेशर में और टेंशन में आके घर वापस आए। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत बहुत कुछ हुआ। हम किसी दिन जब मन थोड़ा सा अच्छा लगेगा तब हम बताएंगे। उसके बाद घर आए तो और भी कुछ कुछ बैड न्यूज़ सुनने मिल गया। लगभग आज का दिन खराब ही रहा, लगभग ज़बरदस्ती हम जो कर रहे थे आज दिन भर की सब चीज़ देखा जाए तो ये सब बस जाने तक सब अच्छा था, जब तक गए थे सब सही था, लेकिन जब से वहाँ गए मार्केट वगैरह सब काम से तब से दिन बस डिक्लाइन 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 डिक्लाइन, मतलब बस बर्बाद दिन आज का जो भी था। यही सब सुन के थोड़ा सा बात हुआ कि तो यही सब के चलते कुछ हम ब्लॉग नहीं बना पाए। बाकी आप कुणाल ब्लॉग बनाया है आज, तो आप कुणाल का चैनल देख सकते हैं, कनिष्क कुणाल ब्लॉग, वो अच्छा से बनाया हर एक चीज़। हाँ वही कनिष्क ब्लॉग, तो वो हर एक चीज़ बनाया है अच्छा से, तो आप उसके ब्लॉग चैनल पे देख सकते हैं। वो सब तुम बता देना ना, हमको हिम्मत नहीं करा है बताने का, तुम ब्लॉग में बोल दिया है ना, बस तुम बात करो। तो आप कुणाल का ब्लॉग देख सकते हैं जाके। बाकी मेरा ब्लॉग भी है कुछ हद तक, ज़्यादा आगे तक नहीं है फिलहाल, तो यही सीन है कि यही सब हुआ गाइस। तो कैसे कैसे बहुत कुछ हुआ है, हम किसी दिन अगर थोड़ा सा मन अच्छा लगेगा ना, बहुत कुछ हुआ है, हम बताएंगे आपको आराम से ज़रूर किसी न किसी दिन। अभी फ़िलहाल जो है आज का, तो ऐसा चांसेस है कि कल हम शायद ब्लॉग नहीं डाल पाएंगे, मतलब कल ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, तो हो सकता है परसों ब्लॉग ना आए, कोशिश हम करेंगे, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, दादी भी आज चली गई, जो सुन थोड़ा सा मतलब दादी कहाँ, दादी गई बाबू जी के यहाँ, दादी बोली है कि अब वो रामनवमी के समय आएगी, तो वो भी तो एक थोड़ा सा थी लगा कि दादी मतलब आई तो रह सकती थी कुछ दिन, लेकिन वो बोली कि जाएंगे हम फिर आते हैं, वो बोली है कि रामनवमी में आ जाएंगे, मतलब 9 दिन बाद। चलिए जो होना था, दादी तो वहाँ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दादी से फ़ोन पर बात किए, यही सब लगा। तो बाकी सब चीज़ सही है, लाइफ जो था चल रहा है सब अच्छा है। अब हम किसी दिन आपको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या हुआ था, बाकी मस्त है जो था। कुणाल का ब्लॉग आप देख सकते हैं, और हाँ असल में आज हम लोग मॉल भी गए थे लौटते समय, हम मतलब लौटते समय बोल रहे हैं, मतलब हाँ वही सब होते हुए जाते हुए जाते समय वही सब मॉल वगैरह में भी गए थे, लेकिन हम वहाँ भी ज़्यादा शूट नहीं किए, यही सब के चलते कि थोड़ा सा मेरा मन जो अच्छी लगने लगा ना उसके चलते। और फिर हाँ एक कारण और था कि मेरा पैर में ना ये उंगली में पूरा चोट लग गया था, मतलब ये पैर का ये वाला उंगली, तो ये पूरा पूरा दर्द हो रहा है ये एक साइड, पता नहीं क्या हुआ, पूरा काला काला हो गया, तो बहुत दर्द हो रहा था, तो जिसके चलते हमको चलने में भी नहीं बन रहा था, तो यही सब हुआ था फिलहाल। तो हम सोचे कि आप लोगों के साथ शेयर कर ले, आप मेरी फैमिली हैं, आप ही मेरे फ्रेंड्स हैं, एवरीथिंग आप लोग ही सब कुछ हैं, तो हमको लगा कि आप लोगों को जो हर एक चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक मेरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरे फैमिली का आप लोग। तो फिलहाल तो इसी चलते हम आप लोग से ये बात शेयर किए, बाकी अच्छा से हम एक दिन शेयर जरूर करेंगे बैठ के, तब तक ये ब्लॉग आज एंड कर लेते हैं। और जो था आज का ब्लॉग के लिए उतना ही, आप इंजॉय कीजिए और बाकी सब चीज़ के लिए सॉरी। तो चलिए अगर सही में ब्लॉग पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, लाइक भी कर ही दीजिए प्लीज़, और दबा के शेयर कीजिए सबके बीच कि बस इतना ही चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे, कोशिश करेंगे कि एक नए ब्लॉग के साथ कल मिल पाए। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।